वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑटोमोबाइल अकाउंटिंग से रिलेटेड। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह से इसकी लेजर क्रिएट करेंगे और परचेज के इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड की एंट्री किस तरह करेंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आई बटन में भी इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि सेल करने से पहले एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री करेंगे और एंट्री किस तरह से करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं उसके बारे में एक एक करके। इससे पहले मेरा आप ये प्रोफेशनल प्राइम चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑटो की मोबाइल की लेजर किस तरह से क्रिएट किए हैं और इंटरेस्टेड परचेज किस तरह से किए हैं, इंटरेस्टेड परचेज किस तरह से की है, तो आप यहाँ से जा कर के भी चैनल पे डायरेक्ट देख सकते हैं। आइए चलते हैं अब टैली प्राइम पे, गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ से हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद एडवांस रिसिप्ट करेंगे, तो रिसिप्ट में मैंने वाउचर टाइप बना रखा है, आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बनाया है एक वाउचर टाइप एडवांस फ्रॉम B2C कस्टमर का, और इसको सिलेक्ट करके इंटर करूँगा। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने इनवॉइस नंबर जनरेट कर दिया है, MR नंबर जो भी सकते हैं। MR मतलब मनी रिसिप्ट नंबर। एक आप जब मनी रिसिप्ट एडवांस देगा आपको कस्टमर, तो मनी रिसिप्ट लेकर के एक कस्टमर को कॉपी देना है, एक आपके पास खुद रहेगी, तो उस पर जो नंबर जनरेट होगी वो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर दिया है। ये किस तरह से ऑटोमेटिक सेट होगी इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं पैक वीडियो में। आइए चलते हैं, कुछ मैंने फॉर्मेट बना रखा है किस तरह से किस दिया जाएगा एडवांस कस्टमर से और कैसे, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि कुछ मैंने फॉर्मेट बना करके रखा हुआ है B2C कस्टमर जिसने एडवांस दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट में ब्लू कुमार है जिसने इस डेट में एडवांस दिया है, MR नंबर ये होगा और उन्होंने फर्स्ट एडवांस जो दिया है वो 25,000 रुपये का, सेकेंड एडवांस जो उसने फिर जमा किया है 25,000 का, टोटल एडवांस उनका 50,000 रुपये। इसी तरह करके वन बाई वन करके ये सारे मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं। तो मैं आपको अब इसकी एंट्री बताऊंगा। तो आप सबसे पहले चलिए यहाँ पर आ गए हैं, MR नंबर ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, आप देख सकते हैं, और इनका डेट क्या है 4 अप्रैल। तो यहाँ से आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सा कस्टमर किस तरह से ट्रांजेक्शन किया है, तो गेटवे और टैली पे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट इसका 4 अप्रैल है, इसने जो एडवांस दिया था डायरेक्ट बैंक में STB बैंक में, तो STB बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो मेरा है ये रहा बबलू कुमार। तो यहाँ पे हम एक लेजर जनरेट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ टाइप करेंगे क्या, बबलू कुमार, BABLU बबलू कुमार, और इसको बबलू कुमार ऑलरेडी नाम पहले से जनरेट है, तो अगर नाम पहले से जनरेट है इनकेस या कुछ भी तो नाम में चेंजिंग जरूर कर ले। उस नाम को मैंने डिलीट कर दिया, अब रिफ्रेश लेजर बनाते हैं। और क्या नाम है इनका, बबलू कुमार, BABLU बबलू कुमार। ओके, यहाँ फिर इंटर कर देंगे और एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक ग्रुप आपको बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख लीजिए फुल नेम से पहले से बना होगा, अगर नहीं बना है कोई भी तो ग्रुप बनाना है, ADVANC एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ओके, इसे आपको रखना है कहाँ, सेंडरी डेप्टर में, और कर देना है कंट्रोल इसे सेव। ओके, हो गया। बिल वाइज अगर आप मेंशन डिटेल के साथ करेंगे तो सही यस करिएगा, वरना उसे नो कर दीजिएगा। ये आपका A to Z B2C कस्टमर है। ओके, तो आपको कहाँ पे रखना है इसको, A to Z को कंज्यूमर में, और कर देना है कंट्रोल इसे सेव। अब पहला लेजर बन गया, टोटल लेजर को आपको इसी तरह से बनाना है। तो चलिए मैं पहले फटाफट इस सारे लेजर को जनरेट कर लेता हूँ जैसे इसको मैंने बनाया है। ओके, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इस पे आ गया मैं, यहाँ से आप डायरेक्ट Alt+C कीजिए, और F से तो मैंने बना लिया, दीपक झा का बनाइए, दीपक
झाका। ओके, यहाँ तक आ जाइए। जो भी इनका डिटेल है वो ज़रूर एड्रेस फिल कर दीजिएगा ताकि आपके एमआर पर भी आ जाए, या मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ये सब डिटेल भरने के बाद ही आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको एज ए डेमो अभी समझा रहा हूँ, फटाफट आप हो जाए, इसलिए इस तरफ से ये जितना भी नाम था मैंने एडवांस फ्रॉम कस्टमर का नाम जनरेट कर लिया है, डेट दे दिया है, हमारा नंबर आपका ले लिया है। अब मैं इसे इनका एडवांस यहाँ से न्यू रेफरेंस नंबर के साथ आपको करना है, ये नहीं कि ऑन अकाउंट नहीं करना है, डायरेक्ट न्यू रेफरेंस नंबर के साथ आपका एंट्री इसको करना है। ओके, और जो भी इन्होंने बाय नेट बैंकिंग ई फंड ट्रांसफ़र किया है, जो भी किया है, वो डिटेल आप यहाँ से उनसे लेकर के इसमें जिस बैंक से किया है उस बैंक का नाम फिल कर दीजिए। ओके, STAT स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मान के चलिए, आज डेमो में ले लेता हूँ उन्होंने किया, और यहाँ पर लिख दीजिएगा बीइंग एडवांस ऑन कस्टमर और इसे एक्सेप्ट। ये सेव होने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम जाएंगे DAL प्रेस करेंगे और आ जाएंगे बबलू के लेयर को ओपन करेंगे। ये देख लीजिए एंट्री हो चुके, एंटर करिए और इसका इसका प्रिंट ले लेंगे। और ये कुछ इस तरह से आपका प्रिंट दिखेगा। ओके, और फिर आप यहाँ से रिसीविंग दे सकते हैं, और थ्री सिग्नेचर आपको पेड बाय जो बनाया है इसको उसका ने सिग्नेचर करके। तो इस तरह से आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर का डिटेल दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे ही करके वन बाय वन करके आपको टोटल एंट्री यहाँ से यहाँ तक करनी है। फिर इसी तरह से चंदन सिंह है जिसने कैश में जमा किया है एडवांस, तो फिर हम अब वाउचर में आ जाएंगे। ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, डेट इनका क्या है 28 तारीख, तो F2 प्रेस करके आप यहाँ से 28 ले लीजिए, अप्रैल आ चुका है। कैश में ये दिए हैं और इनका नाम है CHN चंदन सिंह, ये आ गई और इन्होंने 15,000 रुपये एडवांस दिए हैं। इसको भी आप न्यू रेफरेंस में दे करके और यहाँ से बीइंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर करके आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से दूसरी एंट्री हो गई। ऐसे ही आपको जितना भी एंट्री है सब एक एक करके करना है। फिर आ जाते हैं हम लोग, पब्लू कुमार ने 20 तारीख में एक और दिया है आपको एडवांस लेकर के, तो फिर इनका भी एंट्री हम दोबारा से करेंगे, लेकिन इस सब एंट्री के बाद ही ये एंट्री आएगी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जितना भी एमआर नंबर है वो मैंने एज ए डेमो लिया है, इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो भी आपके टैली में आएगा वो एमआर नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एमआर दिया है और कोई बात नहीं है। आपके एमआर नंबर पे जो होगी वो आपको सेट करना पड़ेगा। इस तरह से ये टोटल एडवांस की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने डेबुक में जा कर के आपको दिखाया है जितना भी मैंने एंट्री की है, और मैंने वाउचर टैप डाला है। यहाँ से ये फायदा होगा कि डायरेक्ट हम F12 प्रेस करेंगे, वाउचर टैप पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आप देख रहे हैं वाउचर, यहाँ से वाउचर ट्राइब नया स्टार्टिंग विथ जो भी मेरे वाउचर का एडवांस फॉर्म, इतना ही सिर्फ लिखना है और टोटल मेरा वाउचर जितना भी है सब यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से हम वाउचर टैप एंट्री एडवांस फ्रॉम वाउचर की करेंगे, जो भी एडवांस लेंगे। अब नेक्स्ट बिल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी बेस पे अब सेल की एंट्री किस तरह से हम करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताने वाला हूँ उसमें ये टोटल सेल से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।